हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेक जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे जिसमें दोनों ही फोन आपको अंडर 20,000 के सेगमेंट में ये दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। जिसमें जो पहला जो फोन है वो पोको की तरफ से आने वाला पोको X5 5G जो फिलहाल कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा उसी के प्राइस सेगमेंट में आपको रियलमी 10 Pro 5G। ये दोनों ही फोन आपको अंडर 20,000 के सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। अगर इसी प्राइस सेगमेंट में कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपनी से स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले, तो यहाँ पे पोको X5 5G में देखने को मिल जाते हैं 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 20:9 का एक्सपेक्ट शो, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको पोको की जो ट्रेडिशनल डिजाइन जो पोको X5 प्रो में देखने को मिलती है वैसी वाली सेम डिजाइन है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऑल टुगेदर डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे Realme 10 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 6.72 इंचेस की यहाँ पे भी फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको फ्रंट में ग्लास फिनिश और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे डिस्प्ले की जो साइज है उसमें ही फर्क है, बाकी रिफ्रेश रेट दोनों डिस्प्ले में दोनों ही फोन में सेम देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी दोनों में बराबर से ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी वाली डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे Realme 10 Pro ले सकते हो, बाकी डिस्प्ले क्वालिटी और रिफ्रेश रेट के मामले में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो बताऊंगा यहाँ पे दोनों में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 6 NM बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है 2.2 GHz पे क्लॉक्ड, और यहाँ पे एड्रिनो का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन आपको बराबर से है, गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ यहाँ पे बराबर से देखने को मिल जाती है। हाँ, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग कंपनी के फोन है, लेकिन गेमिंग है जो भी है सब कुछ मल्टीटास्किंग है वो आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे, उतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कुछ इश्यू जैसे कि कैमरा के मामले में होते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन है, वैसे वाले देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फोन में। लेकिन बाकी बात करें ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस तो वो बराबर से ही देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो बताएंगे यहाँ पे पोको X5 5G में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम 256 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, लेकिन हाइब्रिड है, 1 TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे स्टोरेज को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सपेंशन ऑप्शन दे दिया है। लेकिन यहाँ पे Realme 10 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम 128 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट है और 512 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 256 GB वाला वेरियंट कोई भी देखने को नहीं मिलता, दोनों ही वेरियंट आपको 128 GB के साथ में ही देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों बराबर से हैं, रैम और स्टोरेज के मामले में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बताएंगे यहाँ पे पोको X5 5G में आपको 48 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.8 aperture के साथ में, जो एक मेन लेंस है। दूसरा आपको 8 MP का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है F2.2 aperture के साथ में। तीसरा आपको 2 MP का यहाँ पे मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसकी हमें कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। ड्यूल टोन LED फेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे सिर्फ 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे 4K का ऑप्शन ना तो 1600p का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये एक प्रोसेसर की खामी है ना कि फोन की। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रोसेसर थोड़ा अच्छा यूज करते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है, बाकी कैमरा आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। Realme 10 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 108 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है F1.8 aperture के साथ में। दूसरा आपको फालतू का 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी ड्यूल टोन LED देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी सिर्फ आपको 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों ही फोन आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में दोनों फोन बराबर से है, बाकी जो प्राइमरी लेंस है उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको 108 MP यूज करना है तो यहाँ पे Realme 10 Pro की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कैमरा ज्यादा मायने नहीं रखता, अल्ट्रा वाइड लेंस भी चाहिए, तो यहाँ पे पोको X5 5G को कंसीडर कर सकते हो रियर कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बताएंगे पोको X5 में आपको देखने को मिलती है 13 MP की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें F2.45 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा, और यहाँ पे आपको 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे Realme 10 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 16 MP की पंचोल सेल्फी देखने को मिलती है F2.45 एपर्चर के साथ में, ये भी आपको HDR कैमरा और 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको मेगापिक्सल काउंट वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली Realme 10 Pro का जो सेल्फी कैमरा वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू पोको X5 5G। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन पे फर्क है, सेल्फी कैमरा किसका अच्छा है वो अपने अपने सॉफ्टवेयर पे
डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ऑन द पेपर तो ऑब्वियसली रियलमी 10 प्रो का जो सेल्फी कैमरा है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताऊंगा दोनों ही फोन में आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है और दोनों ही फोन में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको सॉफ्टवेयर में अलग अलग देखने को मिलता है। पोको X5 5G में आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको MIUI 14 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रियलमी 10 प्रो में आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको रियलमी UI 4 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग है। मुझे लगता है कि अगर Xiaomi यानी कि पोको X5 एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देता तो बहुत ही कंप्लीट कर पाता रियलमी 10 प्रो को, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि दोनों ही फोन में सॉफ्टवेयर बढ़िया, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कस्टमाइजेशन ज्यादा पसंद आता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm कॉर्ड जैक देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, और यहाँ पे एक फर्क है, पोको X5 5G में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रियलमी 10 प्रो 5G में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक फर्क देखने को मिल जाता है, बाकी कनेक्टिविटी सेंसर दोनों में आपको बराबर से ही देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरियंट और प्राइस की, पोको X5 5G में आपको 3 अलग अलग कलर वेरियंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरियंट है वो आपको 19,000 का देखने को मिलता है और दूसरा जो वेरियंट है वो आपको 21,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 21st of March को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे रियलमी 10 प्रो 5G की बात करूं तो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर वेरियंट देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे भी बेस वेरियंट आपको 19,000 का देखने को मिलता है और दूसरा 8G वाला वेरियंट है वो आपको 20,000 के प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है और इसकी सेलिंग आपको फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलेगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल टुगेदर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि अगर लेटेस्ट कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, पोको X5 में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 10 प्रो 5G। हालांकि मुझे लगता है कि डिस्प्ले के जो क्वालिटी है, अगर डिस्प्ले बड़ी वाली चाहिए तो यहाँ पे रियलमी 10 प्रो 5G ले सकते हो, बाकी ऑल टुगेदर सब कुछ बराबर सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, और सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफरेंट है और सेल्फी कैमरा में डिफरेंट है। और जो रियर कैमरा है वो 108MP का गेम है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि 48MP यहाँ पे है, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस आपको पोको X5 में देखने को मिलता है, वहीं पे आपको रियलमी के फोन में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये एक फर्क है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फीचर्स अच्छे यहाँ पे रियलमी के फोन में है, थोड़े बहुत आपको पोको X5 में, प्राइस के हिसाब से दोनों बराबर से देखने को मिलते थे, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, तो दोनों ही फोन आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाते। अगर आपको रियलमी 10 प्रो पसंद है तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्प्ले और जो आपको डिजाइन है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू पोको X5। हालांकि पोको X5 रेडमी नोट 12 जैसा ही देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क नहीं है। पोको जो रेडमी नोट 12 था उसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 था, यहाँ पे 695 दे दिया, लेकिन प्रोसेसर आपको दोनों ही फोन में आपको पुराना वाला देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे दोनों ही में आपको अच्छा खासा प्रोसेसर, मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है, उतना भी ज्यादा बुरा देखने को नहीं मिलता। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।